हे गाइस, वेलकम टू निकू की दुनिया। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ। तो मैं अभी कहीं आश्रम है सिक्कर के पास में, तो वहाँ आई हुई हूँ, तो इसलिए सोचा व्लॉग बनाया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो ये मंदिर है सामने, मतलब मंदिर भी बोल सकते हैं और इसको आश्रम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग काफ़ी दूर से आते हैं, जैसे मुंबई साइड से, दिल्ली साइड से, यहाँ से आते हैं। और ये शिव जी का मंदिर है, छोटा सा। और यहाँ पे एक शिव जी की छोटी सी मूर्ति भी है, आपको वो भी दिखाती हूँ। ये शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पर एक भैया थे, तो वो मेरे को बोलते तुम वीडियो बना रही, इसलिए मोटर से पानी चला के, क्योंकि इसके अंदर फुहारे लगा रखे मूर्ति में, तो इसलिए मोटर चला दी। तब वो बोले वीडियो में ले लो ये भी। और ये पीछे की साइड का है यहाँ। ये मेन मंदिर है, मुझे मंदिर का नाम तो नहीं पता, पर मंदिर अच्छा था काफ़ी, अंदर से भी अच्छा है और यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है। और यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी रुकती है, मतलब जो कांवड़ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर उनको रुकने का स्थान भी यहीं पर है, मतलब रेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और उन कांवड़ यात्रा के लिए खाने की व्यवस्था भी खूब अच्छी कर रखी है यहाँ पर। और आप यहाँ पे व्यू देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है। तो यहाँ पे पहाड़ भी है सामने के मंदिर के सामने, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है पहाड़ होने के कारण। यहाँ पे बाहर का मौसम तो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें पहाड़ होने के कारण इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा फील होता है कि बस ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहो पूरे दिन, इस मौसम को देखते रहो। पहाड़ है इसलिए कुछ ज़्यादा ही मगन हो जाते हैं। और आपको मैं बाहर की साइड दिखाती हूँ, ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से एंट्री होती है, तो ये बाहर की साइड का है। और बाहर की साइड भी देख सकते हो, यहाँ भी मतलब बैठने की व्यवस्था है कि इस साइड बैठ सकते हैं, दरी वरी बिछा रखी है यहाँ पर भी बैठने के लिए। और देख, और आप इस साइड देख सकते हैं, इन्होंने कुछ चिड़िया वगैरह पाल रखी है, तो आप वो भी देखना। और यहाँ पे ये वाइट कबूतर हैं, मैंने तो पहली बार देखे थे वाइट कबूतर। और दूसरी साइड तोते भी पाल रखे हैं इन लोगों ने, ये देखो तोते हैं। और आगे की साइड इन्होंने चिड़िया पाल रखी है, कलरफुल है चिड़िया भी, तो आप देख सकते हैं कलरफुल चिड़िया भी मिलेगी यहाँ पे देखने को, येलो है, ग्रीन भी है, वाइट भी है, बड़ी कलरफुल चिड़िया है यहाँ पर। और आगे की साइड एक बतख है, इन्होंने बतख भी पाल रखी है, ये रही बतख, ये भी बड़ी प्यारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको। थैंक यू।